नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाग एक अनिवार्य सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में। ये उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया है, वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दो है, मिलान करना है, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी पे आ जाएगा, यानी तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा, ये राजा जबकि इनकी पत्नी का नाम कुबेर नागा, कुमार गुप्त प्रथम, ये अनंत देवी पे मिलेगा, यानी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तीन, फिर एक, फिर दो, फिर चार है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर तीन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो राइट ऑप्शन सी, एक और दोनों सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर चार, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया है। तो ए, इब्न बतूता यहाँ राइट ऑप्शन है। तो इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, जो कि 1333 ईस्वी में उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुँचे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। अपनी यात्रा वृत्तांत है इनका, इब्न बतूता का, जिसे रेहला नाम से जानते हैं। दिल्ली के विषय में उल्लेख किया, वह दिल्ली को बृहद व भव्य शहर बतलाए। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा उत्कृष्ट शहर था, ऐसा उन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो बी है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी। 1882 ईस्वी में भारत को आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन राइट, यानी 14 दिन का। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर आठ है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक, यानी यहाँ पे 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। तो भाग 9 के द्वारा ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन शाला नहीं है। तो ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑरेंज रिवर नहीं बहती है। ऑरेंज रिवर की अगर बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ऑरेंज रिवर, जो कि डेक्कनवर्स पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह दक्षिण अफ्रीका योम नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तथा लुसाटो के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये तीन देशों की सीमा बनेगी यहाँ पे। पहले देखिए, दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के बीच बनेगी, फिर दक्षिणी अफ्रीका और लेसोटो देश के बीच बनेगी, नामीबिया और लेसोटो दक्षिण अफ्रीका के साथ बनाते हैं। हंटर नदी, फ्लिंडर्स नदी, गिल्बर्ट नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य की 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में जो जनसंख्या थी वो -0.6 था, जबकि केरल का 4.9 था ये प्लस में, सिक्किम 12.9 प्लस में, मणिपुर 24.5 था प्लस में, 24.5 प्लस में ही था, लेकिन ये माइनस में था। माथर्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो इनके अनुसार सी, जन्म नियंत्रण। माथर्स ऐसे व्यक्ति थे जो 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तन और दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किया। माथर्स ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने में प्रमुख निवारक माना। उन्होंने विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचार का पालन करके तथा विवाह पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनिर्भर रह करके जन्मदर को कम करने का प्रमुख संभावना को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र जीवोम नहीं होता है। यहाँ पे 13 का सही ऑप्शन सी है। जीवोम एक बृहद प्राकृतिक पारितंत्र है जिसमें पौधा और जानवर के समुदाय शामिल होते हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं होती है। जीवोम के सभी क्षेत्रों में समान पर्यावरणीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। साधारणतः एक जीवोम को वहाँ की प्रमुख वनस्पति के आधार पर जाना जाता है और उसी आधार पर उसका नामकरण होता है, जैसे घास भूमि जीवोम, मरुस्थली जीवोम, टुंड्रा जीवोम, जबकि पारिस्थितिक तंत्र जीवोम का एक अंग है ना कि जीवोम है। नेशनल दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है ये, जो 490 वर्ग किलोमीटर में 1987 में दुधवा नेशनल पार्क कतरनिया घाट किशनपुर पशु विहार को मिला करके बना था। अब जो है दुधवा नेशनल पार्क कतरनिया घाट किशनपुर पशु विहार को मिला करके दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब इसका क्षेत्रफल हो गया है 2201 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.2। तो ये सकल प्रजनन दर होता है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर चक्र NMH4 के अनुसार 2015-16 में भारत में सकल प्रजनन दर 2.2 थी। राज्यों में अगर सर्वाधिक की बात करें तो बिहार का है 3.4 था, जबकि सबसे कम सिक्किम का है 1.2 है। उत्तर प्रदेश का सकल प्रजनन दर है 2.7। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को जाना जाता है। इसमें जो वृद्धि दर था ऋणात्मक था, 1921 में कितना था, -0.31%। उस समय जनसंख्या ऋणात्मक में था। क्वेश्चन नंबर 17, SRI विधि संबंधित है किससे? तो ये धान से संबंधित है, धान से संबंधित है SRI विधि, जिसका खोज मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लेलिना ने, मूलतः फ्रांस ने किया था। यह धान की कृषि से संबंधित है। इसी को श्री विधि के नाम से भी जानते हैं, श्री विधि भी कहते हैं SRI को, श्री विधि। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो मूंगफली का जो है ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि मूंगफली सफ़ेद गिटार कीट होता है ना कि ये, जबकि चना का फली छेदक सही है, धान का बंका सही है, मक्का तना छेदक सही है। मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी होती है? तो इसकी सघनता होती है 300%, 300% होती है मक्का आलू मूंग की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ देखिए अलसी, अलसी की जो प्रजाति है वो सुमिलित नहीं है। जो चमत्कार है वो अलसी की नहीं बल्कि मटर की है, मटर की प्रजाति है ये। अगर बात करें अलसी किसकी प्रजाति है, तो अलसी की प्रजाति है सुरभि, जीवन, जानकी, नगरकोट, हिमालिनी। निम्नलिखित में किसी रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खसरा का। खसरा का जो प्रतिजैविक एक प्रकार का पदार्थ या यौगिक जो होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे क्षय रोग, तो जीवाणुओं से होने वाले रोग में जो होता है क्षय रोग है, टिटनेस है, हैजा है, इसके उपचार के लिए प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं प्रतिजैविक, जो जीवाणु जनित रोग हैं वो हैं। लेकिन खसरा क्या है, पोलियो क्या है, चेचक क्या है, ये विषाणु जनित रोग हैं ना कि जीवाणु जनित, इसीलिए
प्रतिजैविक से निदान खसरा का नहीं किया जा सकता, न खसरा का, न पोलियो का, न चेचक का। प्रतिजैविक से उन्हीं रोगों का निदान किया जाता है जो जीवाणु जनित है। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी क्या है, विषाणु जनित है। तो कोरोना वायरस है, वायरस क्या होता है, एक संक्रामक बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित रोगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज सही है, रेडियो के हैं मार्कोनी ना कि कार्ल बैज, ये गलत है। बैरोमीटर ई ट्रांसली ये भी सही है, डायनमो माइकल फ्राडे ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, संचार उपग्रह सदैव कैसे रहते हैं? भू स्थिर रहते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जर्मेनियम। 24 का बी, दिए गए विकल्प में ताबा, चांदी, लोहा, मेटल है, जबकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है और अर्धचालकों की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम है। इसका प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर घटती है अर्थात चालकता बढ़ती जाती है। 2√3 CM भुजा वाले समषड्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघाती समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो ये राजस्थान होगा, सी ऑप्शन। जबकि क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ए, साइना नेहवाल ने जीता। तो ए ऑप्शन यहाँ राइट है, साइना नेहवाल। जबकि 30वां है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान, तो 138वां है।